आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने T6 प्रोजेक्टर का पूरा रिव्यू किया है, वहाँ पे मैंने आपको इसकी एक खासियत बताई थी कि इसमें बिना इंटरनेट के और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं वायरलेसली। ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आज दिखाऊंगा एक और खास चीज। बीआर टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं अमेजिंग गैजेट्स आपको, नए नए गैजेट्स, नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहता हूँ। और बिहाइंड द सीन्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बीआर टेक फिल्म्स को फॉलो कर लीजिए, फायदे में रहेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ अब मैं वहाँ पे एक्टिव रहने लगा हूँ, काफ़ी कुछ बताने लगा हूँ। T6 प्रोजेक्टर में अब मैं आपको आज एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। T6 प्रोजेक्टर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है बेसिक वर्जन में। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें एक एंड्रॉयड वर्जन भी आता है, ये एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्टर नहीं है। इस प्रोजेक्टर को लगा के अपनी दीवार पे आप अच्छा खासा जो है 150 इंच तक की स्क्रीन को जो है डिस्प्ले प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करने का, एक मिलता है USB से, दूसरा मिलता है डायरेक्ट कास्ट, जिसके बारे में तो मैं आपको पिछले वीडियो बता चुका हूँ। USB कास्ट करने के लिए कुछ खास चीज़ें आपको करनी होगी। फ़ोन में आपको डेवलपर ऑप्शन एनेबल करना होगा, एनेबल नहीं है, अबाउट में जाइए, फ़ोन के वर्जन में जाइए, 7 बार क्लिक कीजिए, डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डीबगिंग को ऑन कर दीजिए। ये करने के बाद में आपको अपने फ़ोन में डेटा केबल कनेक्ट करनी है। डेटा केबल कनेक्ट करने के बाद USB टेथरिंग जो है उसे ऑन करना है, और बस आपके फ़ोन की स्क्रीन USB केबल से भी कास्ट हो जाएगी। लेकिन USB केबल आपको प्रोजेक्टर के लास्ट वाले USB पोर्ट में लगानी है। फर्स्ट वाले USB पोर्ट में लगाएंगे तो वो कास्ट नहीं होगी, लास्ट वाले में लगानी है। तो ये है बेसिक फंक्शन। इसे करने के बाद में यहाँ पे इस तरह USB टेथरिंग करेंगे, एक पॉपअप आएगा, उसे ओके कीजिए। मैक्सिमम डिवाइस में मैंने इसे ट्राई कर लिया है, USB टेथरिंग काम करती है। तो जिन जिन के सवाल थे USB टेथरिंग किस तरह काम करेगी, USB से कनेक्ट कैसे होगा, वो ऐसे होगा। जब आप प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एंड्रॉयड डिस्प्ले और iOS डिस्प्ले। ये ओके का बटन दबा के आप चेंज कर सकते हैं। iOS के लिए ओके के दबाइए, फिर एंड्रॉयड का यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन आ जाएगा, वेटिंग फॉर कनेक्शन, जिस तरह मैंने आपको USB कनेक्टिविटी बताई है। USB डीबगिंग ऑन होना ज़रूरी है, उसी के बाद में जब आप USB टेथरिंग ऑन करेंगे तभी आपकी फ़ोन की स्क्रीन कास्ट होगी USB के थ्रू। तो जिनको वायरलेसली नहीं करना है, वायर से करना है, वो इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नोटिफिकेशन बार में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे USB डीबगिंग कनेक्टेड है। अब एक चीज़ का ध्यान और रखिए, यहाँ पे अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये फ़ोन के थ्रू यहाँ पे गेम प्ले हो रहा है, तो फ़ोन के थ्रू इस प्रोजेक्टर पे दीवार पे चल रहा है। मेरी दीवार का कलर जो है वो क्रीम कलर का है। प्रोजेक्टर हमेशा जो है डार्क रूम में ही अच्छे से डिस्प्ले मिलता है इस प्रोजेक्टर्स में। अब यहाँ पे जो है फ़ोन की स्क्रीन कास्ट हो चुकी है USB के थ्रू। पूरा रिव्यू ज़रूर देख लीजिएगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कूपन कोड भी दे रखा है अगर लेना चाहते हैं तो। वैसे मैं नए नए वीडियोस बनाता हूँ, नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। USB कनेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और वायरलेसली बता दिया है। इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है इस प्रोजेक्टर में। इंटरनेट के लिए आप एंड्रॉयड वर्जन खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्टर TV, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है जो बहुत लोग पूछते हैं, मैं काफ़ी समय पहले एक प्रोजेक्टर ये वाला VVBright का F10S का रिव्यू कर चुका हूँ। ये है मेरा पर्सनल प्रोजेक्टर अभी भी, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन कमियाँ सब में रहती हैं। इसमें कमी है कि इसमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स बहुत कम है, सिर्फ HDMI मिलता है और USB मिलता है। तो इसलिए T6 में आपको जो है ल्यूमेंस ज़्यादा मिल जाते हैं, और T6 सस्ता है और F10 थोड़ा महंगा है। तो नए नए गैजेट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है ये आपके ज़रूर काम आने वाली है। अगले वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ में, कुछ नए टैग के साथ में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये है कुछ खास T6 के बारे में जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। धन्यवाद।